दोस्तों आज डिस्कस करेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्वेश्चन जो जेईई एडवांस 2022 का पार्ट था। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें दी है एक इक्वेशन z बार माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू आई इंटू ब्रैकेट z बार प्लस z स्क्वायर, और हमें इस इक्वेशन के कितने डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ये बताना है। तो शुरू करते हैं। पहले z बार के टर्म्स को LHS और z स्क्वायर के टर्म्स को RHS में ले जाते हैं। इससे मिलेगा z बार इंटू ब्रैकेट 1 माइनस आई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई। अब दोस्तों दो केस हो सकते हैं, या तो z इज इक्वल टू 0 या z नॉट इक्वल टू 0। पहले z इज इक्वल टू 0 वाला केस डिस्कस करते हैं। z इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन में डाला तो मिला 0 बार इंटू ब्रैकेट 1 माइनस आई इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई, माने 0 इज इक्वल टू 0। इससे पता चलता है कि z इज इक्वल टू 0 इक्वेशन का एक वैलिड सॉल्यूशन है। अब डिस्कस करते हैं केस z नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि z नॉट इक्वल टू 0 है, हम z स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। तो इक्वेशन बनी z बार ओवर z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आई ओवर 1 माइनस आई। RHS को रैशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे RHS बनी 1 माइनस 1 प्लस 2 आई ओवर 1 माइनस माइनस 1, जिसे सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनी z बार ओवर z स्क्वायर इज इक्वल टू आई। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में z को लिख सकते हैं r इंटू e की पावर i थीटा, और i को लिख सकते हैं e की पावर i पाई ओवर 2। इससे इक्वेशन बनी r इंटू e की पावर माइनस i थीटा ओवर r स्क्वायर इंटू e की पावर i 2 थीटा इज इक्वल टू e की पावर i पाई ओवर 2। जिसे सिंप्लीफाई किया तो मिला 1 ओवर r इंटू e की पावर माइनस i 3 थीटा इज इक्वल टू e की पावर पाई ओवर 2। दोस्तों LHS और RHS में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट्स को कंपेयर किया तो मिला r इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 2 प्लस 2 के पाई, माने थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर 6 माइनस 2 के पाई ओवर 3। अब k इज इक्वल टू 0 डाला तो मिला थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर 6। k इज इक्वल टू 1 डाला तो मिला थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर 6 माइनस 2 पाई ओवर 3, माने थीटा इज इक्वल टू माइनस 5 पाई ओवर 6। सिमिलरली k इज इक्वल टू 2 पे थीटा बना माइनस पाई ओवर 6 माइनस 4 पाई ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस 9 पाई ओवर 6। दोस्तों k इज इक्वल टू 3 डालने पे मिलेगा थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर 6 माइनस 6 पाई ओवर 3। अब क्योंकि माइनस 6 पाई ओवर 3 2 पाई का मल्टीपल है, हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू बनेगी थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर 6, जो k इज इक्वल टू 0 वाले रूट का डुप्लीकेट है, इसलिए हम k इज इक्वल टू 3 को डिस्कार्ड कर देंगे। सिमिलरली k की बाकी सारी वैल्यूज भी डुप्लीकेट रूट्स ही जनरेट करेंगी। तो कुल मिलाकर डिस्टिंक्ट रूट्स आए 0, कॉमा e की पावर माइनस आई पाई ओवर 6, कॉमा e की पावर माइनस 5 पाई ओवर 6 और e की पावर माइनस आई 9 पाई ओवर 6। तो डिस्टिंक्ट रूट्स का काउंट बना 4, और यही हमारा आंसर है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।